अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं रईस अहमद, आप देख रहे हैं टेक्निकल उर्दू अदब। टेक्निकल उर्दू अदब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी कामयाबी के लिए हर वक्त कोशा है। इसी सीरीज में आज फिर हाजिर है टॉप 10 क्वेश्चन का एपिसोड नंबर 17। आपसे ये दरख्वास्त के वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का अपना सबक। सवाल नंबर 1, ज़ेल में दो ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए मीर अमन, मीर शेर अली अफसोस, निहाल चंद लाहौरी। ऑप्शन बी नाम देवमाली कुंदन खंदा। ऑप्शन सी शब गुजीदा दारा शिको हजरत जान। ऑप्शन डी आसमा रोशन है शिकस्त और ज़िद्दी। ऑप्शन ए मीर अमन, मीर शरीर अफसोस और निहाल चंद लाहौरी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये तीनों अफराद फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। फोर्ट विलियम कॉलेज जो 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में क़ायम किया गया। इसके बाद ऑप्शन सी शब गुजीदा दारा शिको हजरत जान, ये तीनों नाविल हैं। तो इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, जेल में दो ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, साहिल लुधियानवी। इन तीनों को जो ताल्लुक़ दिखाया है वो दिखाया तरक्की पसंद तहरीक से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। साहिल लुधियानवी मखदूम मोहिद्दीन और इकबाल ये रुमानी तहरीक से वापस आए थे, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसके बाद ऑप्शन सी अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नौमानी और मोहसिनुल मुल्क अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता थे, बिल्कुल सही जवाब ये बात। तो इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, जेल में दो ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए गंगा और गोमती, इसके आगे लिखा है मासूम बच्चा। ऑप्शन बी फूलमती पंडित अयोध्या नाथ, इसके आगे लिखा है बदनसीमा देवानाथ गोपा शिकवा शिकायत के किरदार शिवदास और रामप्यारी रोशनी के किरदार। मासूम बच्चा, बदनसीमा, शिकवा शिकायत, ये प्रेमचंद के अफसानी मजमुए वारदात में शामिल है। वारदात जो 1938 में पहली बार शाया हुआ था और इसके अंदर 13 अफसाने शामिल हैं, जिसमें मासूम बच्चा जिसके अंदर किरदार हैं गंगा, गोमती, देव और मैको, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी, ये है फूलमती बदनसीमा के किरदार हैं। इसके दूसरे किरदार हैं पंडित अयोध्या नाथ, फूलमती, कामता नाथ, उमानाथ, सीतानाथ, दयानाथ वगैरह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, जेल में दो ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिएगा। पहला ज़ुमरा मीर अमन मुल्ला वजी इंशा अल्लाह खान इंशा और मीर अमन मुल्ला वजी, जिनकी पैदाइश 1566 ईस्वी में और इंतकाल 1659 ईस्वी में हुआ था। इंशा अल्लाह खान इंशा अल्लाह, जिनकी पैदाइश 1752 ईस्वी को और इंतकाल 1817 ईस्वी में हुआ। मीर अमन, इनकी पैदाइश 1732 ईस्वी में और इंतकाल 1808 ईस्वी में हुआ था। रजब अली बेसरूर, इनकी पैदाइश 1786 ईस्वी में और इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा 1869 ईस्वी में गालिब और शेफ्ता का इंतकाल भी हुआ था। इस एतबार से जो दो ज़ुमरे सही होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और बी दोनों दुरुस्त हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, जेल में दो ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए लिखा बेनज़ीर बद्र मुनीर फिरोज शाह। ऑप्शन बी लिखा है फिरोज शाह बेनज़ीर नजमुन्निसा, इसके आगे फिरोज शाह माहे रुख सलीम, इसके आगे लिखा है डी पर अलीम नसु और मनकुहा। बेनज़ीर बद्र मुनीर और फिरोज शाह ये जो किरदार हैं ये है मसनवी सहरुल बयान के किरदार हैं। मसनवी सहरुल बयान जो 1784 ईस्वी में मीर हसन की आखिरी मसनवी है,
मीर हसन जिनकी पैदाइश 1737 ईस्वी में और इंतकाल 1786 ईस्वी में हुआ था, ये इनकी आखिरी मसनवी है। इन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी हैं। इसके किरदार हैं बेनज़ीर, बदर मुनीर, फिरोज शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त, इसके बाद ऑप्शन बी फिरोज शाह। ये जिन्हों का बादशाह का बेटा है, बेनज़ीर इसका एक हीरो है और नजमुनिसा ये वजीरजादी है, ये जो शहजादी है उसकी दोस्त है। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और बी जो जुमरे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। लाजमुल मुब्तदी, नौसरहार, वाहिद बारी, ये किसकी किताबें हैं? ये किताबें हैं, ये जो तीनों मसनविया हैं किताबें हैं, ये है शाह अशरफ बयाबानी की। ये शाह अशरफ बयाबानी ने जो इनकी एक बहुत मशहूर किताब है वह है नौसरहार, जिसके अंदर पहली बार करबला मर्सिया के बयान किया गया है। जिनका पूरा नाम शाह अशरफ बयाबानी था और लाजम मुब्तदी, वाहिद बारी और नौसरहार जो कि वाक़ करबला से मुतालिक है, ये तीनों इन्हीं की किताबें हैं। और क्या नाम, सैयद शाह अशरफ बयाबानी बहमनी दौर के शायर थे। इसके बाद जो है कुतुब मुश्तरी, असदुल्ला मुल्ला वजी की किताब है। सबरस असदुल्ला मुल्ला वजी की है। मेज़बानी नामा ये इनकी नज्म नहीं है। इसका गुलशन इश्क ये नुसरती की मसनवी है। अली नामा नुसरती की मसनवी है और तारीख अस्कंदरी ये भी नुसरती की मसनवी है। इस एतबार से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ए और बी जो जुमरे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। ज़ेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिएगा। मखदूम मोहिनुद्दीन, चांद तारों का बन, इंतज़ार, आज की रात ना जा। तो मखदूम मोहिनुद्दीन जिनकी पैदाइश 1908 ईस्वी में हुई और इंतकाल 1969 ईस्वी में हुआ था, ये इनकी नज़मों के नाम है चांद तारों का बन, इंतज़ार, आज की रात ना जा। इसके अलावा जो इनकी दाखिले निसाब मशहूर नज़म है वह है हवेली और एक दूसरी नज़म है इनकलाब। इस एतबार से जुमरा ए बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद देखते हैं फैज़ अहमद फैज़ जिनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में और इंतकाल 1984 ईस्वी को हुआ था, उनकी जो नज़म है वह है कहाँ जाओगे, याद और कुत्ते। इसके अलावा जो इनकी मशहूर नज़म है वह है तन्हाई, सुबह आज़ादी और एक बड़ी मशहूर नज़म है उसका नाम है मुझसे पहली से मोहब्बत, मेरे महबूब नमाज। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जुमरा ए और जुमरा जो बी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए पर लिखा है दानव दाम, ग्रहण, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो। ये चारों जो अफसाने हैं ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन सी है सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़ और रोशनी की रफ्तार, ये कुरतुल ऐन हैदर के अफसानों के नाम दिए गए हैं। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिएगा। ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह और असदुल्ला मुल्ला वजी। कुली कुतुब शाह जिनकी पैदाइश और असदुल्ला मुल्ला वजी जिनकी पैदाइश 1566 ईस्वी में और इंतकाल 1659 ईस्वी में हुआ था, ये एक ही दौर के शायर थे। इसके बाद ऑप्शन बी जो है मीर तकी मीर और गालिब, ये मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी में और इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ था। असदुल्ला गालिब जिनकी पैदाइश 1797 ईस्वी और इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ था। इस एतबार से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी जो जुमरा वो दुरुस्त होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10। दर्ज जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिएगा। मतला और वजन ये ज़रूरी है या ये गज़ल के अज्जाए तरकीबी हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तशबीब और गुरेज ये कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं, बिल्कुल बात दुरुस्त है। शहादत और दुआ मरसिया ये बात गलत है। शहादत तो मरसिया का जुज़ है लेकिन दुआ कसीदे का जुज़ है। तो इस एतबार से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी जो है जुमरा वो बिल्कुल दुरुस्त है। साथियों
ये थे आज के सवाल, उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आपसे ये दरख्वास्त कर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।